दोस्तों स्कैम की इस दुनिया में मतलब कोई कमी नहीं है भैया। हर रोज नए नए तरीके से स्कैमर्स आ जाते हैं हमारे पास कि पैसा कमा लो, पैसा ले लो, डिस्काउंट ले लो, ये वो करके, और एंड गोल होता है स्कैम, हमारी जेब से पैसे निकालना और हमें ठग लेना। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं आईफोन 15 प्रो मैक्स वाले स्कैम के बारे में। बहुत ज्यादा फैल रहा है, मतलब बचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में। यूज कर रहा हूँ पिछले करीब 1.5 महीने से 2 महीने से, और मतलब आई मीन इट्स वर्किंग फ्लॉलेसली, बड़े आराम से फोन काम कर रहा है। अब क्योंकि फोन नया नया है, अब आपको पता है कि भैया एप्पल के फोन है तो कितनी ज्यादा हाइप होती है चारों तरफ, जो है वो भी नए वाले आईफोन 15, 15 प्लस, प्रो, प्रो मैक्स वगैरह, नया पिंक कलर आ गया है, नया टाइटेनियम वाला फोन आ गया है, यही सारी बातें चल रही हैं। अब इस चक्कर में जो फोन की डिमांड है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। अब फोन को लेने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप एप्पल स्टोर से ले सकते हो, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से ले सकते हो, आपके पास में जो एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स वगैरह हैं वहां से लेने का ऑप्शन है, मतलब यू नो एवरीथिंग इज देयर। बट अब भैया फोन तो महंगा है, आईफोन 15 आपको पता है जैसे हर साल होता है एप्पल आईफोन की जो प्राइसिंग होती है वो एक प्रीमियम सेट पे होती है, मतलब वो एकदम आपको ऐसे अफोर्डेबल फोन नहीं मिलता है। ऐसे में स्कैमर्स फायदा उठाते हैं इसी चीज का, और वो अलग अलग जगहों पे, अब चाहे वो टेलीग्राम पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, कहीं और किसी और तरीके से करें, वो प्रमोशन करते हैं कि भैया डील मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, और मतलब ऐसा वो एक क्रेजी अमाउंट बोल देंगे कि भैया 15 प्रो मैक्स 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का। और कई बार तो ये ऐसे ग्रुप्स में मतलब पुट्रे करते हैं कि भैया ये कहीं से कुछ हो गया है, माल जो है बाहर का है, ये वो, मतलब दे विल जस्ट मेक अ स्टोरी फॉर यू टू फॉल फॉर इट, कि हाँ आपको भरोसा हो जाए कि हाँ आप ही हो वो किस्मत वाले जिसके पास में ऐसी डील आई है कि आपको इतना सस्ते में आईफोन मिलने वाला है। अब देखो होता क्या है ना, जब भी हम ऐसी कोई एक बात सुनते हैं, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि मतलब जब भी कोई आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा एक ललचाने वाली डील दे दे, आपका एक बार को शायद दिल बोले या दिमाग बोले कि भाई स्कैम लग रहा है, या भैया ये तो ना फंसने वाला मामला है, सच नहीं है। बट देन फिर अंदर एक और जो है वो दबी हुई सी आवाज़ निकलती है, और वो ये बोलती है, अरे नहीं भाई मैं लकी हूं और इसीलिए मुझे ही केवल इस चीज के बारे में मालूम चला है, किसी और को नहीं पता है, तो चुपचाप बस मैं अपना फायदा उठाता हूं। और उसी चक्कर में क्या होता है, आप यू नो वो डील करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं, आप चाहे किसी से सेकंड हैंड के नाम पे एक फ़ोन कोशिश करें, कोई बोलता है कि भैया बस 2 महीने पुराना फ़ोन है, मेरे को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है इसलिए फ़ोन बेच रहा हूँ, दे विल जस्ट मेक अ स्टोरी, इट्स वेरी ईजी। और फिर जब आप फोन लेते हो तो आपको ऐसा फोन मिलता है, बॉक्स पे आप देखोगे तो भैया एग्जैक्टली एकदम आपको लगेगा कि हाँ एप्पल वाला ही बॉक्स है। और कई बार तो आप अगर चेक भी करना चाहो ना तो आप देखोगे अंदर तो भैया आपको एकदम ऐसा असली वाला आईफोन मिल रहा है, नीचे इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वही एप्पल स्टिकर वगैरह और जो भी चीज़ें हैं सब आपको इधर मिल रही हैं, टाइप सी केबल है, आप इसको हटाओ और देखो तो फ़ोन जो है वो आप जब ऑन करोगे तो एप्पल का लोगो भी आएगा, मतलब दैट्स इट। डायनेमिक एलेंट भी आ गया है, पीछे देखोगे तो एकदम ऐसा टाइटेनियम वाला पूरा आपको फील मिल रहा है, नया नया ये कलर, नया नया प्रो मैक्स। और उस टाइम पे इंसान खुशी में इतना पागल होता है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता पहली बात तो वो इसी उसमें मतलब यू नो उसके दिमाग में अलग एक सुरूर चल रहा है। और उसके बाद हो सकता है आधे घंटे बाद, हो सकता है 10 मिनट बाद, हो सकता है 1-2 दिन बाद, वेन एवर यू विल डेफिनेटली एंड अप नोइंग कि भैया जो आपने डील करी थी वो तो चूना लग गया, क्योंकि असली फोन आपको नहीं मिला, आपको मिल गया है नकली फोन। और गाइज ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है। और कई बार तो आपको बता दूं एक और बात कि अगर आप ऑनलाइन कभी किसी ऐसी चीज़ के बदले जहां पे आपको टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में किसी ने बता दिया कि भैया यू नो फोन सस्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, हो सकता है वो पैसे लेके फोन दे ही ना, नकली फोन देने की तो दूर की बात है, हो सकता है वो आपको कुछ भी ना दें, मतलब इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर दें तो फिर आपको ऐसा कोई दे देंगे फोन, अब फोन देखो ऑन तो हो गया है, इसको हम अनलॉक करते हैं, एप्पल का सब कुछ आपको दिख रहा होगा बट ये एक नकली आईफोन है, मतलब दिस इज नॉट अ रियल आईफोन। एप्पल मैप की जगह खोलोगे तो गूगल मैप खुल जाता है, या फिर अटक अटक के फोन चलता है, और देखो अटक गया। यस, आप सेटिंग्स खोलोगे तो आपको लगता है कि भैया एप्पल की असली सेटिंग है, लेकिन दिस इज ऑल कंप्लीट फेक पीस। एंड गाइज ये स्कैम बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज इंटरनेट पे अगर कोई भी आपको बोलता है, फॉर दैट मैटर ये आईफोन नहीं यार, किसी और चीज़ के लिए भी ना, कई बार जो लोग हैं वो ऐसी कहानियां बना देते हैं
कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ते मिल जाएगा, ये तो मेरा यू नो यूज पीस था, बाहर का माल आता है हमारे पास, हम कार्डिंग करते हैं, ये वो, मतलब ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज स्कैमर्स, दे आर वेरी स्मार्ट एट टेलिंग, एंड वॉट यू एंड अप गेटिंग नथिंग, उल्टा आपका लॉस, उल्टे आपके पैसे गए और आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ। तो आई एम जस्ट सेइंग कि बचो इस चीज़ से। दूसरी चीज़, एक और स्कैम जो है वो ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं गए हैं ना बाहर, स्पेशली किसी फॉरेन कंट्री में, और वहाँ पे अगर आप सोचते हैं आईफोन लेने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे भी आपके साथ में स्कैम हो सकता है और आपको ये फ़ोन चिपकाया जा सकता है। जी हाँ, कई बार दुकान पे आप इंस्टेंटली ओपन करके नहीं देखेंगे, आपको लगता है कि नहीं यार मैं खुद से तसल्ली से ओपन करूंगा, यू नो कई बार एक वो फील भी होता है उस चीज़ का, तो वो आपको फ़ोन दिखाएंगे असली, चेक करवाएंगे असली, और आपको बाद में बॉक्स जो है वो ये वाला आपके बैग में डाल के आपको दे देंगे, आपको दिख रहा है कि हाँ भैया असली, आप डब्बे पे पढ़ लोगे हाँ 15 प्रो मैक्स लिखा है, इतने जीबी का है, ये है वो है, दैट्स इट। जब घर आके इसको आप खोलोगे तो अनबॉक्स करते तक भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसको ऑन करके यूज करोगे तब पता चलेगा ओ ये तो नकली आ गया, और फिर आप जाओ उस दुकान पे, चांसेस हैं या तो आप तब तक हो सकता है फ्लाइट लेके अपने देश पहुंच चुके हो, या अगर वहां पे भी हो तो देन दिल सिंपली डिनाय है कि ना भाई कौन सा क्या, मतलब यू नो बहुत बार ऐसा भी होता है। तो ये चीज से आपको यू नो एकदम अलर्ट रहना है कि नकली मॉडल बहुत ज्यादा आईफोन 15 सीरीज के मिल रहे हैं मार्केट में, तो आपके पास ऐसा कुछ हादसा ना हो तो उसके लिए बचो। और अगर कुछ होता है साइबर फ्रॉड तो यू नो 1930 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, cybercam.gov.in पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और ऐसा अगर कुछ भी आपने आसपास होते हुए देखते हो तो मेक श्योर दैट यू अलर्ट द अथॉरिटीज़ और आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करो। इस वीडियो को गाइस जरूर शेयर करना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।